हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रूट थ्री को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करें। तो हम रूट थ्री को कैसे लिख सकते हैं, रूट थ्री इज इक्वल टू रूट टू प्लस वन। रूट थ्री इज इक्वल टू रूट टू का स्केयर प्लस वन का स्केयर, जो कि कैंसिल होकर यही बन जाएगा। और हम देख सकते हैं ये पाइथागोरन ट्रिपल बन रहा है। तो हम रूट थ्री को डायरेक्टली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सबसे पहले हम रूट टू को रिप्रेजेंट करेंगे। रूट टू को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट टू इज इक्वल टू रूट वन प्लस वन। रूट टू इज इक्वल टू वन स्केयर प्लस वन, जो वन ही होता है। तो सबसे पहले हम रूट टू को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और हम ये मेजरमेंट इंच में ले रहे हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर से थोड़े बड़े होते हैं। और हमको ये हेल्प भी करेंगे कि ये हमें अच्छी तरह दिख जाए। तो हमें वन बेस चाहिए, तो हम वन पे 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बनाएंगे। और अब इसमें से लाइन पा करेंगे। हमें हाइट भी 1 सेंटीमीटर ही चाहिए। अभी यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे और 0 से लाइन पास कर देंगे। ये हमारा √2 आ गया है। अब अगर हम इसको नंबर लाइन पे शो करना है, तो हमें जितनी 0 से लेके आग तक कंपास है उसका मेज़र कर लेंगे और नंबर लाइन पे वो आग लगा देंगे। ये हमारा √2 आ गया। हमें अब √3 चाहिए। √3 क्या होता है, √2 + 1। हमारे पास √2 बेस आ चुका है और अब हमें 1 चाहिए। सबसे पहले हम 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बना देंगे। अब हमने 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें हाइट हमारी 1 सेंटीमीटर चाहिए। वो खोल के आँख लगा देंगे। और 0 से लाइन पास कर देंगे। ये हमारे पास √3 आ गया है। अब हमें इसे नंबर लाइन पे शो करना है, तो 0 से लेके आग तक का मेज़र ले लेंगे और नंबर लाइन पे वहाँ पे कट कर देंगे। ये हमारा √3 आ गया। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ समझना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।